हाई एवरी वन, वेलकम और वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कूलिस प्लांट को प्रोपगेट करके दिखाने जा रही हूँ। सो ये सारे जो आप प्लांट्स देख रहे हैं, ये मेरे इन-लॉज के घर में प्रेजेंट है, यानी कि मेरे ससुराल में। सो मैंने सोचा कि आज कूलिस का प्रोपगेशन किया जाए। तो अभी कूलिस का ग्रोइंग सीज़न आ गया है, आप इसे अभी प्रोपगेट कर सकते हैं ईजीली। मैं अपना कैमरा स्टैंड लाना भूल गई, तो मेरा कैमरा पकड़ने के लिए कोई था नहीं, तो मैं एक हाथ से ही इनको तोड़ रही हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करें, और तोड़ने के लिए नाइफ, ब्लेड या फिर किसी और टूल का इस्तेमाल करें। लेकिन मैं इनको वो हाथ से ही तोड़ रही हूँ। हाथ से भी तोड़ने से ये ईजीली प्रोपगेट हो जाते हैं। आप चाहें तो आप इनको वाटर प्रोपगेशन या फिर डायरेक्टली सॉइल में भी आप इनको प्रोपगेट कर सकते हैं। ईजीली प्रोपगेट होने वाला प्लांट है। यहाँ पर बहुत सारे कलरफुल कूलिस के प्लांट प्रेजेंट हैं, और भी हमारे आस पड़ोस में यहाँ पर इससे भी बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स प्रेजेंट हैं। अगर किसी दिन हुआ तो मैं वो सब भी दिखाऊंगी आप लोगों को, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिलता। जब भी मैं ससुराल आती हूँ तो मैं बहुत बिज़ी हो जाती हूँ, तो इसीलिए अगल बगल आस पड़ोस में मुझे घूमने का भी मौका नहीं मिलता। बहुत रेयरली ही मैं जा पाती हूँ, तो इसलिए इसीलिए मैं जो भी घर में है उसी को प्रोपगेट करूँगी। और घर में भी कम सुंदर प्लांट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर प्लांट्स है। कल भी आप लोगों के लिए एक और वीडियो आने वाली है, उस वीडियो में आपको बहुत सारी वैराइटीज़ के प्लांट देखने को मिलेंगे। ऑर्किड से लेकर जो सीनरी प्लांट होते हैं वो सब आपको मैं दिखाऊंगी। एजिलिया एवरीथिंग आई विल शो यू टुमारो। सो आज के लिए तो इतना ही है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सो मैंने अभी तोड़ लेना है इन सब को, तो थोड़ा कैमरा जल्दी जल्दी मूव हो रहा होगा, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि था नहीं कैमरा पकड़ने के लिए कोई, तो इसीलिए अपने दोनों ही हाथों से, मतलब कि एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से इस तरह से फूल तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल ही था, लेकिन जो भी हो मैंने कर लिया। तो आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर कूलिस के प्लांट प्रेजेंट है यहाँ पर। ये जो कूलिस का प्लांट है ये एक परमानेंट प्लांट है, लेकिन अगर मतलब कि थोड़े दिनों बाद ऐसा एक सीज़न आता है जब ये ऑफ सीज़न हो जाते हैं, यानी कि थोड़े से इनके जो प्लांट की ग्रोथ है वो रुक सी जाती है, लेकिन तभी आपने इनको फेंक नहीं देना है, आपने धैर्यता से इनको रखना है पेशेंस के साथ। फिर जब इनका सीज़न आता है, जैसे अभी आया है जून जुलाई के महीने में, ये अपने आप ग्रो हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल बन जाता है। आप इसको जितना ज़्यादा धूप में रखेंगे उतना ही ज़्यादा इनका कलर निखर के आता है। ज़्यादा छांव भी इनको पसंद नहीं है। ये जो कूलिस का प्लांट होता है इसमें ऑलरेडी वाटर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो पानी जो है आप इन्हें ध्यान में रख के देना है। यहाँ पे तो बारिश रोज़ ही हो रही है, तो इसीलिए हम इनको प्लांट लगाने के बाद भी पानी नहीं देंगे। ऑलरेडी जो सॉइल है बहुत ज़्यादा गीली है, तो इस तरह से मैंने जो फर्स्ट मैंने जो तोड़ा है प्लांट, कटिंग्स तो नहीं कहूँगी, मैंने खुद ही हाथ से तोड़ा था, तो इसको मैं इस तरह से लगा रही हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल है, ब्राउन कलर का, और साइड में एकदम लाइट ग्रीन कलर का बाउंड्री बना हुआ है। सो यहाँ पर जो नीचे की तरफ लीव्स है उनको मैं हटा दूँगी, तो मैं इन सब प्लांट्स को अच्छे से लगा लूँगी इन प्लास्टिक बैग्स में। ये प्लास्टिक बैग्स मैं सिलीगुड़ी से लेकर आई थी। ये जो है बैग्स बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे मार्केट में, और इनमें ड्रेनेज होल भी प्रेजेंट होते हैं, आपको ड्रेनेज होल भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रेयरली कोई ऐसा प्लास्टिक मिलता है जिसमें ड्रेनेज होल प्रेजेंट नहीं होते, तो आप आराम से उनमें भी बना सकते हैं। तो मैं इस कूलिस को एक साथ लगा रही हूँ, क्योंकि कूलिस बहुत ज़्यादा छोटा और बहुत ज़्यादा पतला था, तो एक बुशी लुक देने के लिए मैंने इनको गुच्छे में लगा दिया, और एक हाथ से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं दो हाथों से ही प्लांट को लगाऊंगी। और मैंने जो अपना कैमरा है वो दीवार के सहारे रख दिया था ज़मीन पर, तो ये टिका हुआ ही था। और ये जो आप आगे की तरफ देख रहे हैं ये छोटा सा, ये मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने बनाया है नर्सरी मेरे लिए, ताकि मैं प्लांट्स को अच्छे से ग्रो कर पाऊँ और बहुत सारे फूल खिला पाऊँ। तो मेरे मदर इन लॉ एंड जो फादर इन लॉ है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मैं जो भी करती हूँ उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं।
तो उन्हीं की सपोर्ट की वजह से देखिए किस तरह से हम लोगों ने प्लांट को लगा लिया है। मैं आपको किसी और दिन जब फूल बहुत सारे खिलेंगे तब मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि किस तरह से फूल खिलाना है। और अभी फ़िलहाल में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि कभी कभार ऐसा हो जाता है बस बीच में थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, लेकिन एवरीडे बारिश तो हो ही रही है। तो बारिश से बचाना प्लांट को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जिस भी कोने में रख दें प्लांट को, लेकिन कहीं ना कहीं तो पानी लग ही जाता है। सो फाइनली माई वर्क इज़ डन एंड दिस इज़ द रिज़ल्ट। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये अभी बुशी फॉर्म में। सो सबसे ज़्यादा जो मुझे सुंदर है ये जो बीच का आप देख रहे हैं पिंक कलर का, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप सभी का धन्यवाद मुझे इतना ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी लोगों से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ, लव यू ऑल।